नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डाल लेते हैं मॉर्निंग अपडेट की ओर। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत 48 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर, स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती की जाएगी। ग्रेजुएट अभ्यर्थी की बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थियों को जोड़ी और इंटरव्यू राउंड के लिए भी बुलाया जाएगा। इसके बाद में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में बैठ करके तालियां बजा करके मेवाड़ी गीत गाए हैं। सदन में गुरुवार को दिनभर चले हंगामे के बीच में चार बीजेपी विधायकों के पूरे बजट सत्र से निलंबित से बीजेपी में गहरी नाराजगी है। हालांकि स्पीकर ने निलंबित विधायकों को ना पक्ष लॉबी तक जाने की परमिशन दी है, लेकिन उनकी सदन में एंट्री पर रोक लगाई है। बीजेपी विधायकों ने शाम को चारों निलंबित विधायकों के साथ विधानसभा में धरना दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने धरने के बीच सदन में मेवाड़ी गीत भी सुनाए। राजस्थान में रीट को लेकर के विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, तो राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ईडी ऑफिस में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा है, बड़ा मगरमच्छ डीपी जारोली अब भी सरकार की पकड़ से दूर है। इस पूरे प्रकरण की जाँच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने रीट की तैयारी में हजारों रुपए खर्च किए, उन्हें 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सरकार को भुगतान भी करना चाहिए। और मीणा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मंत्रियों के लिए खरीदी गई 8 करोड़ की 30 नई गाड़ियां एक महीने से मोटर गैरेज में ही खड़ी हुई हैं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग चाहता है कि इन गाड़ियों के नंबर खास हो। इसके लिए जीवी की नई सीरीज का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, ताकि सभी 30 गाड़ियों को एक ही सीरीज में सीरियल वाइज वीआईपी नंबर आवंटित हो सके, लेकिन सरकार ने नई सीरीज की फाइल फिलहाल रोक करके रखी है। ऐसे में इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अटक गया है और एक महीने बाद भी आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण ये गाड़ियां मंत्रियों को मिल नहीं पा रही। राजधानी जयपुर के गुलाब विहार में किराए पर कमरा लेने के बहाने में घर में घुसे 3 बदमाशों ने पूर्व पार्षद के घर लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर पर अकेली बहू और 2 माह की बच्ची को पिस्तल के दम पर बंधक बनाया और 2 किलो सोना और करीब 11.5 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। वारदात गुरुवार दोपहर 2 बजे की हुई है। परिजनों को शाम 4 बजे पता लगा। पुलिस के अनुसार पूर्व पार्षद रामधन सैनी अपनी पत्नी, 2 बेटों और पत्नी और पुत्र वधू के साथ गुलाब विहार स्थित 128 नंबर में रहते हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।